तो देखो माधव के मम्मी यहाँ पे सारे चीज़ तैयार कर लिए है। माधव का भी पैक हो गया बैग और माधव यहाँ पे खेल रहा है। और मैंने देखो चारों तरफ तकिया लगा दिया ताकि ये गिरे ना। तो मुझे अभी अभी नहाना है, उसके बाद चलते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी तो 1 बजने वाला है, हम 2:30 से 3 बजे तक निकल जाएंगे। बज रहा है 2:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं सूरज फार्म शादी में, रिसेप्शन में। और मम्मी पापा भी आने वाले हैं, मार्केट में हैं मम्मी पापा। तो अभी रोड में ना मेरा पार्सल आया है, एक पार्सल। देखो ये मैंने क्या मंगवाया है, मेरे को आज उम्मीद नहीं था कि पार्सल आएगा करके। तो देखो ये देखो मैंने एक हार मंगवाया है, गले का नेक ये इसका कान का है। मैंने सोचा था कि मैं आज पहनूंगी, बट मैं ना गोल्ड का पहन के आई हूँ। दही 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 बाबा ये पानी कलम फैला दे रहे। कैसा लग रहा है बताना जरूर। अरे ये इसका वो है, इयर रिंग है ये, अच्छा काफी अच्छा लग रहा है। मैं हूँ तो चलो अभी चलते हैं और मम्मी पापा आ जाएंगे अभी। अब आज तो मैं नहीं पहनूंगी नहीं। तो अभी हम आए हैं कौन सा जगह बोलूँ ये? हाँ। सरदार का वो है जगह है, मतलब क्या बोलते हैं जगह को पता है? पता नहीं, लेकिन यहाँ देखो गुरुद्वारा है, स्कूल है ये। और पापा गए हैं बर्गर लाने, अभी अंगूर लाए थे हम खा रहे हैं। पापा वहाँ पे बर्गर लाने के लिए। तो हम लोग अभी आ गए हैं नाना जी के घर में। ये है हमारे नाना जी के छोटे भाई। सब बारे फोटो नहीं सब बारे सब हाँ। तो अभी यहाँ पे फोटो लिया जा रहा है, देखो पोज देते हुए। हीरो हैं बढ़िया बढ़िया। देखो माधव प्रतीश मामा के पास गया है और देखो उसको गर्मी लग रही है टोपी खोलने के लिए। और ये हमारी जो कि नानी है, जो मेरे नाना के ओ क्या बोलते छोटे भाई, मझले भाई। हाँ मझले भाई आ रहे हैं शादी में, शादी में नहीं अपने एक नानी के घर में, मतलब इनके नानी के घर में। यह है हमारे मामा जी के गली। तो गाइज आज का जो दिन था ना वो बहुत एंजॉयफुल था। और यहाँ पे देखो मेरे पति फिर देवर ये लोग ना डांस करने के लिए गए थे, लेकिन उनको मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे देखो ये मेरा देवर है, ये नानी है, मौसा जी, मौसी, मम्मी पापा सब लोग हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मतलब क्या रहा था, ये दिवास जो है ना डांस कर रहा था, तो वही मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी उसको देख के। गाइस कबीर जो बोल रहा है ना उसका मैं रियल वॉइस दे नहीं सकती, क्योंकि ना मतलब बहुत ही लाउडली गाना चल रहा था, तो इसलिए हम लोग मतलब जो ओरिजिनल वॉइस है वो दे नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी जस्ट साइड में डीजे चल रहा था। और ये मेरी मौसी, छोटी मौसी मतलब मेरी मम्मी की सास, तो ये छोटी मौसी है, वो मम्मी है, पापा बैठे हैं, फूफा जी बैठे हैं, नानी बैठे, सब लोग बैठे हैं। तो काफ़ी इन्जॉय हुआ। मेरे हस्बैंड के साइड में ना मेरी छोटी नानी है, नानी सास, तो बहुत इन्जॉयमेंट हुआ बहुत ही ज़्यादा। तो देखो अभी कबीर क्या बोल रहा है। तो ये कबीर बोल रहा था गाइज ये मेरे भैया की शादी है और मामी की, मामा की शादी है, मतलब मैं उसकी मामी लगती हूँ, तो वही तो इनकी मामा की शादी है। तो ये देखो दूल्हा दुल्हन अब स्टेज में चढ़ने वाले हैं। इसका लहंगा मस्त था सीरियसली,
मेरे को ना दुल्हन का लहंगा जो होता है ना वो काफ़ी सुंदर लगता है। वो लोग ना यूनिक यूनिक चॉइस करते हैं, रेड होता है लेकिन उसमें डिज़ाइन बहुत अलग अलग होता है। और यहाँ पे ना पॉपकॉर्न लगा था, तो यहाँ पे देखो देवास जी यहाँ पे पॉपकॉर्न लेते हुए, मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए भी एक लेके आना, बट वो लाए नहीं।